हे गाइस, वेलकम बैक। आज मेरी थोड़ी सी कोल्ड होने की वजह से मैं अपना जो मेन टॉपिक लेक्चर सीरीज हमारी थी, तो सीएमए डाटा के ऊपर आज मैं वो नहीं बना पाऊंगा। तो आज एक छोटी वीडियो, 10-12 मिनट की, 8-10 मिनट की वीडियो के साथ आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। वीडियो जिसमें हम बेसिकली आज सीखेंगे कि जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स होती हैं, जिसमें मैंने आपको दो समझाई थी कि प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट ब्रॉडर सेंस में होती है, उनकी एलिजिबिलिटी बैंक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी लिमिट दे सकते हैं प्री शिपमेंट की, कितनी दे सकते हैं पोस्ट शिपमेंट की। देखिए, इन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है कि तो आप जरूर देखिए, इनको बहुत काफी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। मैं एक बार वीडियो के एंड में लिंक भी फ्लैश कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर इन दोनों वीडियोस का। तो जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है, बेसिकली वो है, उसको हम ईपीसी और पीसीएफसी भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट एंड पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। तो ये बेसिकली स्टॉक की फाइनेंसिंग होती है, स्टॉक बाय करने के लिए। तो जो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को हम फॉरेन बिल परचेज एफबीडी, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड एफबीएन, फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग एफबीडी एंड पीएफ, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी पीएसएससीएफसी भी बोलते हैं। ये बेसिकली डेटर्स को फाइनेंस करने के लिए दी जाती है लिमिट। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने उन वीडियोज में अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उन लिंक्स के थ्रू उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की एलिजिबिलिटी आपको कंप्यूट करनी सिखाता हूँ कि बैंक्स कैसे कंप्यूट करते हैं। मोर देन 90% ऑफ द बैंक्स में यही फॉर्मूला फॉलो होता है एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप बैंक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, बट मोटा मोटा आइडिया यही रहेगा एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने का, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए, क्योंकि ये डेटर की फाइनेंसिंग है, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले कि उसकी प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट्स कितनी है नेक्स्ट 12 मंथ्स में, कि वो कितना एक्सपोर्ट करेगा अगले 12 महीने में। तो उसके बाद प्रमोटर मार्जिन का कॉन्सेप्ट हमेशा ही रहेगा पैकिंग क्रेडिट में भी, कि प्रमोटर अपना परसेंटेज कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अगर 100 रुपए का माल बेचेगा तो उसमें से कितने परसेंट माल खुद फाइनेंस करेगा, मतलब खुद का पैसा कितना डालेगा। अब ये प्रमोटर मार्जिन आपके केस टू केस वेरी कर सकता है। कोई बैंक इस पे 25% लगा सकते हैं प्रमोटर मार्जिन, कोई 40 लगा सकते हैं, कोई 10% लगा सकते हैं, कोई 15% लगा सकते हैं। यूजली मैंने 10 से 25% की रेंज तक के अलग अलग तरह के प्रमोटर मार्जिन देखे हैं। ये केस टू केस वेरी करता है, आपके केस के कॉल के ऊपर वेरी करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है ये चीज। तो हम अपनी एग्जाम्पल में सिंपलिसिटी में के लिए मानेंगे कि 10% प्रमोटर मार्जिन है। तो उसके बाद जैसे मैंने माना कि उसने, मान लीजिए, 1000 की, एक 1000 लैक्स की प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट सेल है उसकी, यानी कि अराउंड ये अपना 10 करोड़ के करीब उसकी प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट सेल्स है। तो 10 करोड़ पे 10% उसका प्रमोटर मार्जिन हो गया, तो 100 रुपीज उसका प्रमोटर मार्जिन आ गया यहाँ पे। तो उसमें से अगर 1000 रुपए का उसने माल बेचना है, तो उसमें से कस्टमर्स भी तो कुछ उसको एडवांस पैसा भेज सकते हैं ना। उसकी पेमेंट टर्म्स हो सकती है कि 10% लोग या 20% लोग अपना पैसा एडवांस देंगे, या 20% पेमेंट एडवांस में आएगी। तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि उसका पेमेंट टर्म्स है एक्सपोर्ट पार्टीज के साथ कि उसको 20% पेमेंट एडवांस में आती है, तो 1000 का 20% यानी कि उसको 200 रुपया भी एडवांस में आ गया। तो नेट सेल में जो 700 रुपये बचे हैं, इसके लिए उसको पैसा चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये में से 100 रुपया तो वो खुद का डालेगा, 200 रुपया उसको कस्टमर भेज देंगे एडवांस में, जिसके जो जिसको जिसका उसको सपोर्ट मिल जाएगा, तो बाकी बचा 700 रुपया। तो अब आपने देख रहा है कि उसको जो टेन्योर है, मान लीजिए यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए 30% मार्जिन मान लीजिए और 300 रुपये मान लीजिए, तो 600 रुपये उसका एक्सपोर्ट सेल्स का जो बचता है कि एक्सपोर्ट सेल्स बैंक फंड करेगा। तो अभी उसके बाद हमने, ये तो पूरे 12 महीने की एक्सपोर्ट सेल है, फिर हम उससे पूछेंगे कि आपका डेटर्स के साथ पेमेंट टर्म्स क्या है इंक्लूडिंग शिपमेंट पीरियड, ठीक है। तो क्योंकि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को जैसे आप शिपमेंट करते हैं, बिल ऑफ लेडिंग जनरेट करते हैं, तो साथ के साथ आपको मिल सकता है। तो शिपमेंट पीरियड इंक्लूड करके उसे टोटल टेन्योर पूछेंगे, तो मान लीजिए वो कहता है कि 90 डेज का मेरा टोटल साइकिल बनेगा पोस्ट शिपमेंट, बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होने के बाद मेरे को 90 डेज लगेंगे पेमेंट लेने के लिए। तो 360 दिन अगर सिंपलिसिटी के लिए ले लें एक साल में, तो उसके 4 साइकिल बनते हैं पूरे साल में। तो ये जो ये 600 की सेल है, ये 4 साइकिल में होनी है, यानी कि एक साइकिल में कितनी सेल होनी है, 150 की सेल होनी है। तो उसकी पोस्ट शिपमेंट की टोटल एलिजिबिलिटी कितनी बनती है, 150 की। अगर मान लीजिए वो क्लाइंट कहता है, मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक में हूँ और मेरे पास फैसिलिटी के लिए आया है, तो उसकी 150 की एलिजिबिलिटी बनती है, पर उसने एचडीएफसी से भी 50 की लिमिट ली हुई है। तो मैं बोलूंगा कि सर, 50 की लिमिट आपकी, 150 की रिक्वायरमेंट बनती है, 50 की लिमिट आप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, तो मैं आपको 100 तक की फाइनेंसिंग कर सकता हूँ। ये तो हो गया पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, जिसमें हम डेटर्स को फंड करते हैं। ये तो मोर देन 90% ऑफ द बैंक्स में आपको यही तरीका मिलेगा कैलकुलेशन करने का। पर जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है, जो प्री शिपमेंट का मैंने एक मोटा मोटा फाइनेंस का आपको एक आइडिया यहाँ पे बताया हुआ है,
ये आपको बैंक टू बैंक थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको एक लॉजिक, एक आइडिया पता लग जाएगा। बट आप देखेंगे कि अलग अलग बैंक थोड़ा इस फॉर्मूले को या इन चीजों को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो जैसे जैसे आपका बैंक होगा, आप अपने बैंक के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। शुरुआत यहाँ पे भी वहीं से होगी कि एक्सपोर्ट सेल्स की प्रोजेक्शन कितनी है, कि कितनी एक्सपोर्ट सेल्स वो करेगा और उसमें से वो कितना मार्जिन वो खुद का कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे 10%। उसके बाद उसको कस्टमर्स कितना पैसा देंगे एडवांस में, मान लीजिए 1,000 का 30%, 30% पेमेंट जो एडवांस में भुगतता है, तो बचा 600 रुपया। तो 600 रुपए की एक्सपोर्ट सेल्स जो है, वो बैंक कह रहा है कि 600 रुपए की एक्सपोर्ट सेल्स जो है मैं वो फंड करूंगा। पर क्योंकि प्री शिपमेंट फाइनेंस जो होता है वो स्टॉक परचेज करने के लिए होता है, और जो एक्सपोर्ट सेल्स है ये तो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये परचेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो क्योंकि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस तो सेल्स से डेटर्स किस पे बनते हैं, सेल्स पे बनते हैं ना, तो फिर तो ये डेटर की फाइनेंसिंग के लिए तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है, तो इस वजह से सेल पे निकाला। यहाँ पे सेल पे नहीं निकालेंगे एलिजिबिलिटी, क्योंकि ये स्टॉक परचेज करने के लिए फंडिंग होती है, ये बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होने से पहले वाला जो पीरियड होता है उसके लिए फंडिंग होती है। तो हम कहेंगे कि जो ये 600 रुपए की आपकी एक्सपोर्ट सेल्स है, इस इतनी एक्सपोर्ट सेल्स, 600 की एक्सपोर्ट सेल्स करने के लिए आपको कितना मटेरियल बाय करना पड़ेगा, 600 की एक्सपोर्ट सेल्स करने के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज क्या रहेगी। तो आप बोलेंगे कि सर ये कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे पता करें, भाई इसके लिए आपको अपना सीएमए डाटा देखना पड़ेगा कि आपने जो डाटा पंच किया था सीएमए डाटा के अंदर, कि आपने पिछले सालों में एवरेज एक्सपोर्ट सेल्स, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज एक्सपोर्ट सेल्स का कितने परसेंट आ रही थी, पिछले 2-3 सालों की एवरेज निकाल लीजिए और उस एवरेज परसेंटेज को यहाँ पे लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि उसकी 80% कॉस्ट ऑफ परचेज है, तो 600 का 80% बना 480, 600 का 80% बना, 600 का 80% बना 480। तो 480 की कॉस्ट ऑफ परचेज है, जिस इतने का मटेरियल उसको बाय करना पड़ेगा 600 की सेल्स करने के लिए। तो अगर उसको ये 90 डेज का जो टेन्योर है, ये 90 डेज का टेन्योर होता है फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीट टू शिपमेंट डेट। एक्सपोर्ट ऑर्डर जब मिला उसको लेके, उससे लेके शिपमेंट तक का आपको कितना टाइम चाहिए, ये उसका टेन्योर होता है। और यहां पे जो टेन्योर होता है फ्रॉम शिपमेंट डेट टू पेमेंट रियलाइजेशन, शिपमेंट डेट टू पेमेंट रियलाइजेशन तक का टाइम ये होता है। तो ये 90 और 90 टोटल कितने हो गए, इसके साइकिल 180 दिन का हो गया। तो खैर ये तो प्री शिपमेंट है, तो इसमें हम देखेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर से शिपमेंट करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होता है। वो 90 डेज का फॉर एग्जाम्पल उसका टाइम निकल के आया उसके बैलेंस शीट एनालिसिस से, तो 360 दिन है, 4 साइकिल बन गए 360/90 करके, तो उसकी एलिजिबिलिटी कितनी आ गई, 600/4 नहीं, यहाँ पे कितना किया था हमने, 600 को डिवाइड बाई 4 करके 150 निकाला था। यहाँ पे डिवाइड करना है आपको कॉस्ट ऑफ परचेज को, क्योंकि इसमें हम स्टॉक की फंडिंग कर रहे हैं और स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे होती है, हमेशा कॉस्ट पे होती है, उसकी सेल प्राइस पे वैल्यूएशन नहीं होती। और जो डेटर्स होते हैं हमेशा वो सेल प्राइस पे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सेल प्राइस के साथ डिवाइड किया। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ हमने 4 को डिवाइड कर दिया, तो 120 की एलिजिबिलिटी आई। अगर किसी और बैंक से कुछ लिमिट चल रही है तो उसको लेस करके इसकी नटशेल में हमारे बैंक के साथ 70 की एलिजिबिलिटी आ गई। तो ये फॉर्मूला जो है कई बैंक में डिफरेंट तरीके से यूज हो सकता है, कई बैंक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे निकालते हैं, कई बैंक आपको देखेंगे, कई बैंक बोलेंगे कि जो एक्सपोर्ट सेल्स है उसके अंदर से हम जो क्रेडिटर्स हैं, जो एलसी बैंक क्रेडिटर्स हैं या जो नॉर्मल क्रेडिटर्स हैं, वो भी हम उसमें से लेस करेंगे, क्योंकि उसका कस्टमर को सपोर्ट मिल गया रॉ मटेरियल बाय करते टाइम। तो क्रेडिटर्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम साइकिल लगा के अपनी एलिजिबिलिटी निकालेंगे। तो अलग अलग बैंक से अपने अलग अलग फंडे निकाले हुए हैं, वो भी फंडा सही है वैसे, कि अगर कॉस्ट ऑफ परचेज, अगर आपको 4 करोड़ 80 लाख रुपए का मटेरियल परचेज करना है, तो आपको ये भी तो हो सकता है ना कि ये 4 करोड़ 80 लाख रुपए का मटेरियल खरीदते वक्त आप अपने क्रेडिटर्स को 100 रुपए का उधार भी मिल जाए आपको, तो 480 - 100 बचते कितने, 380। तो यानी कि बैंक से पैसा आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, 380 रुपये के ऊपर ही चाहिए ना। तो कई बैंक इसमें से क्रेडिटर्स को लेस करके भी चलते हैं, तो आप भी लेस कर सकते हैं अगर आपका बैंक फॉलो करता है तो। बट मेजोरिटी ऑफ बैंक इसी चीज को फॉलो करते हैं। एक हालांकि एक और चीज भी है कि ज्यादातर अभी जो बैंक्स का जो फोकस शिफ्ट हो रहा है वो ये शिफ्ट हो रहा है कि प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट का ऐसे अलग अलग फॉर्मूला मत रखें, सिंपलिसिटी के लिए इस टोटैलिटी पे ऊपर ही हम निकाल लेते हैं कि कितनी एलिजिबिलिटी क्लाइंट की बनती है। सिंपल एक्सपोर्ट सेल्स के ऊपर ये कॉस्ट वाला बीच में फंडा ही ना रखें, क्योंकि हर एक बैंक का अलग अलग क्रिटेरिया हो सकता है इसको चेक करने का। कोई क्रेडिटर्स को लेस करता है, कोई नहीं करता, कोई एलसी बैंक क्रेडिटर्स को ही लेस करता है, कोई किस तरीके से यूज करता है, कोई किस तरीके से यूज होता है। बट एक ब्रॉडर आइडिया आपको आई होप मिल गया होगा इस तरीके से कि हमें एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए और
क्या क्या मोटा मोटा बैंक सोचता है एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे को कोल्ड है, आपको शायद मेरी आवाज से भी लग रहा होगा थोड़ा भी काफी कोल्ड है। तो जो मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक ओके होके जो मेरी पुरानी सीरीज चल रही है तो जो अपना सीएमए डाटा की, तो वो मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट अपना संडे को। तो आई होप, थैंक यू वेरी मच आप सपोर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट संडे मिलूंगा, थैंक यू।